मुद्रास्फीति के आंकड़े डरा रहे थे। कई बार लगता है कि महंगाई से ज्यादा महंगाई की खबरें परेशान। मध्यम वर्ग और उसका पार्टनर निम्न मध्यम वर्ग महंगाई के साथ जीना सीख चुका है। आप उसे इस बात से नहीं डरा सकते कि होम लोन की दरें बढ़ने वाली हैं, बैंकों में बचत का रिटर्न निगेटिव हो गया तब तो नहीं डरा। आप उसे इस बात से भी नहीं डरा सके कि पेट्रोल और डीजल के दाम 120 रुपए लीटर हो जाएंगे, हो गए। आज की खबरों में लिखा है कि पिछले वित्त वर्ष में यानी जो 2022 में समाप्त हुआ उस दौरान थोक मुद्रा स्फीति का औसत 12.96% रहा, जो 30 साल में सबसे अधिक बताया जा रहा है। एक अन्य विश्लेषण के अनुसार 1992 के बाद थोक मुद्रा स्फीति इतनी अधिक हुई है। इस साल मार्च में थोक मुद्रा स्फीति की दर 14.55% पहुंच गई। इसका मतलब है कि आपकी कमाई और बचत दोनों तेजी से घटी है।